यस क्लास, आज हम आपको सिखाएंगे सिंबल ड्राइंग विद इजी स्टेप्स, कैसे ड्रॉ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्राइंग। फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे सिंबल ड्राइंग, फर्स्ट स्ट्रेट सिंबल ड्राइंग। तो आपको टू स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है स्केल की हेल्प से, लाइक दिस। अब आपको इसको अपसाइड, अपर साइड एंड डाउन साइड हॉरिजॉन्टल लाइन से ज्वाइन करना है। सेम स्टेप आपको फॉलो करना है। अभी हमने स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करा है, अब हम टू पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट, सॉरी टू पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको हम ज्वाइन कर देंगे बोथ साइड से। तो ये आपको फर्स्ट स्ट्रेट सिंपल ड्रॉइंग कंप्लीट हो गई है, और ये लाइन टू साइड से लाइन हम रब कर देंगे। अब हम मैसेज सिंबल ड्रॉ करेंगे। तो आपको टू लाइन 7 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है फर्स्ट लाइन। अब हम सेकंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये स्पेस देख सकते हैं हमने कितना स्पेस लिया है। अब हम इसी टाइप से डाउन साइड ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे 11 सेंटीमीटर डाउन साइड एंड अप साइड, बोथ साइड हम 11 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें एनवलप हम ड्रॉ कर रहे हैं मैसेज सिंबल में, हमें मिड पॉइंट लेना है, हमें ओपन पार्ट दिखाना है यहाँ पर एनवलप का। तो यहाँ से ये ओपन एरिया हम दिखाएंगे, इसके लिए हम इस टाइप से लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये हमारा मैसेज सिंबल ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। अब हम ड्रॉ करेंगे ये, आप इसको इस टाइप से कंप्लीट करेंगे ड्राइंग, कंप्लीट एनवलप ड्राइंग। ये देखिए डाउन साइड से ये अपर साइड की ओर लाइन लेके जानी है, और ये मैसेज सिंबल ड्राइंग कंप्लीट करना है। अब हम थर्ड आपका है ट्रैफिक सिग्नल ड्राइंग। तो आपको यहाँ पर टू स्टैंडिंग स्मॉल लाइन लेनी है, इसके ऊपर आपको टू हॉरिजॉन्टल लाइन अपर, फिर देन उसके ऊपर आपको स्टैंडिंग लाइन बोथ साइड अपर साइड से एरिया आपको ब्रॉड रखना है, और यहाँ से टू लाइन के साथ इसको ज्वाइन करना है। अब आप हाफ बैंगल की हेल्प से, ममा की बैंगल की हेल्प से ये हाफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, देन इसको अपर साइड से ये ऐसे कंप्लीट करना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। और आप थ्री स्मॉल कॉइन की हेल्प से लाइट शो कर सकते हैं। अब हम फायर सिंबल ड्राइंग कंप्लीट करेंगे। तो टू हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली है, अब इसके ऊपर हम फ्लेम शो करेंगे। ये हमने फर्स्ट स्टेप फ्लेम ड्रॉ करा है, अब हम सेकंड स्टेप के साथ आउटर फ्लेम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये देखिए फ्री हैंड स्टेप कैसे लेके जाना है आपको, बहुत इजी है। आप देखिए हैंड कैसे मूव हो रहा है हमारा, तो आप ये ऐसे ही सेम फॉलो करेंगे बेटा। तो ये फायर सिंबल भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कलरिंग। तो अब हम कलरिंग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कलरिंग में, आउटलाइन करेंगे। फर्स्ट हम आउटलाइन करेंगे। तो यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं पेंसिल कलर, आप स्केच कलर यूज़ कर सकते हैं, क्रेयॉन्स कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आउटलाइन के लिए हम पॉइंटेड कलर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आउटलाइन करने से क्या होता है, फिनिशिंग आ जाती है। अब हम कलर आउट नहीं होने देंगे और इसके अंदर कंप्लीट कलरिंग करेंगे, इसके अंदर कंप्लीटली कलर फिल करेंगे। तो यहाँ हम रेड कलर कर रहे हैं। फर्स्ट स्ट्रेट सिंबल में आपने कभी भी देखा होगा रेड कलर का प्लस का साइन होता है, तो वही हमने फर्स्ट स्ट्रेट सिंबल में ड्रॉ करा है, और इसको कंप्लीट करना है रेड कलर से। वाइट एरिया नहीं छोड़ना है, कलर आउट नहीं करना है, फिनिशिंग का हमें मेन ध्यान रखना है। जब भी हम कलरिंग करते हैं, कभी भी करते हैं, तो हमें फिनिशिंग का ध्यान से होता है, मतलब कलर आउट नहीं करना है ड्रॉइंग से। वाइट एरिया दिख रहा है शीट का, उसको हम कम्प्लीटली फिल करेंगे। फर्स्ट कोड में नहीं होता है कम्प्लीट, सेकंड कोड में करेंगे। तो चलिए अब हम सेकंड सिंबल ड्राइंग मैसेज सिंबल के अंदर कलरिंग करते हैं। येलो कलर है ओनली, हमें इसको कम्प्लीटली येलो फिल करना है, कर दिया है हमने।
तो आपको भी इसी टाइप से येलो कलर से आउटलाइन करनी है फर्स्ट, देन इसके अंदर कम्प्लीटली येलो कलर फिल करना है। अब देख सकते हैं आप वाइट एरिया नहीं शो हो रहा है बिल्कुल भी, वाइट पेपर पेपर का कलर नहीं दिख रहा है, तो इसी टाइप से आप लोग भी करेंगे। अभी हम फ्लेम में, इनर फ्लेम में हम येलो कलर यूज़ कर रहे हैं और आउटर फ्लेम में हम रेड कलर यूज़ करेंगे। तो फ्लेम्स के अंदर आप देखते हैं फायर फ्लेम्स में डिफरेंट कलर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, रेड मिलता है, ऑरेंज कलर आप देखते हैं, येलो कलर आप देखते हैं, ब्लू कलर भी देखने के लिए मिलता है। तो डिफरेंट कलर्स हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे रेनबो में कलर होते हैं इस टाइप से आप फायर में भी कलर देखने के लिए विजिबल होता है। तो अब हम इसके अंदर रेड कम्प्लीटली फिल कर दिया है हमने। इसको कम्प्लीटली फिल करना है आपको कलर, यहाँ रेड कलर फिल करना है आपको। फर्स्ट हमने आउटलाइन करा था, आउटलाइन की हेल्प से हम क्या करते हैं इजीली कलर फिल कर सकते हैं फिनिशिंग के साथ। जहाँ भी आपको वाइट एरिया नज़र आ रहा है, जहाँ कलर फिल नहीं हुआ है उसको कम्प्लीटली फिल करना है। वाइट एरिया आपको नहीं, बैकग्राउंड कलर आपको नहीं रखना है अपने ड्राइंग में। तो अब यहाँ देखिए आपने नीचे डाउन साइड ब्राउन कलर फिल करना है, इनर फ्लेम में येलो, आउटर फ्लेम में हमने रेड कलर करा है। तो आगे अब नेक्स्ट है हमारा ट्रैफिक सिग्नल। तो फर्स्ट हमारा है सिंबल, इसमें आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, रेड, देन ग्रीन, सॉरी देन येलो कलर, एंड लास्ट इज ग्रीन। तो रेड होता है स्टॉप, जब रेड लाइट होती है तो हम रुक जाते हैं, एंड येलो होती है तो हम रेडी रहते हैं, एंड ग्रीन लाइट होती है तो हम स्टार्ट कर देते हैं और ग्रीन लाइट्स गो के लिए होती है। अब बोथ साइड डाउन एंड अपर साइड पर्पल कलर से ये स्ट्रिक आपको पर्पल कलर करना है, यहाँ इसको कम्प्लीटली फिल करना है। अपर साइड हाफ सर्कल में आपको ब्लू कलर करना है, यहाँ हम डार्क ब्लू कलर यूज़ कर रहे हैं। अब इसके कॉम्बिनेशन के साथ हम बैकग्राउंड में जहाँ आपको थ्री लाइट शो की है वहाँ हम लाइट ब्लू कलर यूज़ करेंगे। तो कॉम्बिनेशन देखेंगे बेटा, लाइट एंड डार्क का कंट्रास्ट हम यूज़ कर रहे हैं। आपको भी सेम ऐसे ही कलरिंग स्टेप्स फॉलो करने हैं, अपनी कलरिंग में ये रूल्स फॉलो करने हैं। अब हमने लास्ट स्टेप स्टार्ट करना है। फर्स्ट हमने क्या करा है, सिंबल ड्राइंग में कलर करा है, देन हम बैकग्राउंड में कलरिंग कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड में हमने पर्पल कलर यूज़ करा है, आप लोग पर्पल कलर यूज़ करेंगे फर्स्ट एड सिंबल में पर्पल कलर यूज़ करेंगे। इसको कम्प्लीटली फिल करेंगे, वाइट एरिया देख रहे हैं आप अभी, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन ये देखिए। तो आपको भी ऐसे ही वाइट एरिया नहीं छोड़ना है, कहीं भी स्पेस में वाइट एरिया नहीं छोड़ना है, कलर फिल करना है। अब हम मैसेज सिंबल में ग्रीन कलर से कलर फिल करेंगे ये देखिए, और आउटर एरिया थोड़ा सा आउटलाइन हमने डार्क ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया है। फायर सिंबल में हम बैकग्राउंड में ब्लू कलर करेंगे। तो ये फाइनल टच है बेटा, तो फाइनल टच में बैकग्राउंड में हमें इस टाइप से कलरिंग करना है। फ्लेम के आउटर एरिया में हमने, फायर के फ्लेम के आउटर एरिया में डार्क ब्लू कलर कर दिया है, उसे अलग से ही हाईलाइट हो रहा है। अब इसको कॉटन की हेल्प से अगर आप क्रियॉन्स कलर कर रहे हैं उसको मर्ज कर सकते हैं ये देखिए, जैसे हमने करा है अभी फायर सिंबल देखिए आप मर्ज कर दिया है, तो सॉफ्ट इफेक्ट आ रहा है कलर का। तो आप लोग भी ऐसे करिए। अभी हम ट्रैफिक सिग्नल में कलरिंग कर रहे हैं, ऑरेंज कलर यूज़ कर रहे हैं, तो ऑरेंज कलर हमें बैकग्राउंड में करना है, तो हम ऑरेंज कलर से आउटलाइन कर रहे हैं यहाँ पर।
देन हम कंप्लीटली स्केल की हेल्प से, मैं देखिए कैसे कलरिंग करूंगी स्पीड के साथ। अगर आपको डर है आपकी कलर ब्लू कलर में ऑरेंज कलर मिक्स हो जाएगा, तो आप स्केल रख सकते हैं और ऐसे स्पीड के साथ इसके अंदर कलरिंग कर सकते हैं। ये देखिए, जहाँ भी मुझे लग रहा है वाइट एरिया दिख रहा है, विजिबल है वाइट एरिया, वहाँ हम सेकंड टोन के साथ कलर फिल करेंगे। अब देखिए फाइनल इफेक्ट बेटा, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर ब्लैक आउटलाइन करेंगे। तो कभी भी आप क्या करते हैं, कलर कुछ भी ड्रॉ करते हैं अपने ड्राइंग, तो उसके अंदर अगर ब्लैक आउटलाइन से इफेक्ट देंगे तो फाइनल लुक देखने के लिए मिलेगा आपको, फिनिशिंग लुक देखने के लिए मिलेगा। अभी देखेंगे आप, अभी ये विदाउट आउटलाइन एंड विद आउटलाइन डिफरेंस देखेंगे बच्चे, अब ज़्यादा बेटर लगेगा आफ्टर आउटलाइन। तो आउटलाइन क्या है, मस्ट है। आप कभी भी कुछ भी ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो उसके अंदर आउटलाइन करेंगे अभी। तो यहाँ भी हम ब्लैक आउटलाइन का स्टेप फॉलो करेंगे। तो ये फाइनल लास्ट स्टेप है आपका। ये देखिए फ्रॉस्टेड सिंबल में भी आउटलाइन हो गई है, मैसी सिंबल में हो गई है, अब ट्रैफिक सिग्नल में हमें आउटलाइन करना है। जहां स्ट्रेट लाइन है वहां पर स्केल की हेल्प से आप आउटलाइन करेंगे, और जहां फ्री हैंड है वहां आराम से थोड़ा ध्यान रखते हुए आपको आउटलाइन करनी है। आप कॉइन रख सकते हैं, कॉइन रख कर अगर आप करते हैं तो ज़्यादा अच्छा व्यू और अच्छा, आप छोटे बच्चे हैं तो नीट एंड क्लीन वो हो जाएगा। कॉइन रख कर आप आउटलाइन कर सकते हैं, फ्री हैंड कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। लास्ट है हमारा स्टेप फायर फ्लेम, फायर सिंबल ड्राइंग। इसमें हम आउटलाइन करेंगे इनर सिंबल, इनर फ्लेम में करेंगे, आउटर फ्लेम में करेंगे आफ्टर। तो बच्चे देख सकते हैं आप, हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक फाइनली, ड्राइंग एंड कलरिंग, बैकग्राउंड कलर एंड आउटलाइन। तो हमने किस टाइप से